नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, वात्सल्य कन्याशाळामां आपनुं स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 8 विषय हिंदीमां पाठ 6 भरत विषय समझीशुं। राजा लक्ष्मण सिंह 1926 में आगरा में जन्मे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इनके पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कणों के आश्रम में शाकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इन मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। नहीं, पात्र बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत, तपस्विनी दूसरी। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुँह खोल, मैं तेरे दाँत गिनूंगा। दृश्य: एक छोकरो सिंहना बालक ने खींचे छे અને બે તપસ્વી તેને રોકવા આવે છે। રાજા દુષ્યંત ઝાડ પાછળથી આ બધું જોતા હોય છે। છોકરો કહે, અરે સિંહ, તારું મોઢું ખોલ, મારે તારા દાંત ગણવા છે। પહેલી તપસ્વીની: એ હઠીલે બાલક, તું વન કે ઇન પશુઓ કો ક્યું સતાતા હે? હમ તો ઇન પશુઓ કો બાલ બચ્ચો કે સમાન રખતી હૈ। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों से सर्वदमन रखना है। सो ठीक ही है ना? दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। पहली तपस्विनी कहे छे, ए जिद्दी छोकरा, तमे जंगलना प्राणियों ने केम त्रास आपो छो? अमे आ प्राणियों ने बाळकों नी जेम राखी छे। तमारी हिम्मत वधती जाय छे। तमारा नाम ऋषिओए सर्वदमन राख्यो छे, ए बराबर छे। दुष्यंत आ सांभळीने, तेनी वात सांभळीने पोताना ज मनमां कहे छे, आहा, शुं कारण छे आ छोकरो मारू स्नेह तरफ वेगळ थाय छे, आवे छे। दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। बीजी तपस्विनी बालक ने कहे छे कि जो बालक तू आ छोड़ से नहीं तो सिंहण तारी ऊपर आवशे। तो बालक हसी ने कहे छे, सारू, हूँ सिंहण थी डरू छू, एम करीने ए मोढ़ू चिढ़ावे छे। એવામાં દુષ્યંત આશ્ચર્યજનક રીતે કહે છે, આ બાળક ચોક્કસપણે અદ્ભુત વીરપુત્ર છે, તેનો ચહેરો અગ્નિ જેવો છે, જગમગતો। પહેલી તપસ્વીની: હે પ્યારે બાલક, સિંહ કે બચ્ચે કો છોડ દે, મેં તુજે ખિલોના દૂંગી। બાલક હાથ પસાર કર, પહેલે ખિલોના દે દો, લાવ કહાં હૈ? દુષ્યંત दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रात क्रमल को भी लज्जित कर रही है। प्रथम तपस्विनी बालक ने कहे छे कि हे प्रिय बालक, सिंहना बालक ने छोड़ी दे, हूँ तने रमकड़ू आपीस। तो छोकरो हाथ फैलावता कहे छे कि पहला रमकड़ू आपो, लाओ, क्या छे रमकड़ा? એવામાં દુષ્યંત છે એ કે પોતાના મનમાં જ કહે છે કે દૂરથી છોકરાને હથેળી તરફ જોતા જાતે જ કહે છે, આહા, તેના હાથમાં ચક્રવર્તીઓના લક્ષણો છે, આંગળી ઉપર કેટલું સરસ ઝાડ અને હથેળીની સુંદરતા એ પણ સવારે કમળને શરમજનક બનાવી રહી છે। લજ્જિત એટલે શરમજનક। दूसरी तपस्विनी: हे सखी सुरंता, यह बातों से न मानेगा, जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी: मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है।
बालक तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूल से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। बीजी तपस्विनी, पहली तपस्विनी ने कहे छे कि ओ सखी सुरता, ते वातों थी मान से नहीं जा, मारी झूपड़ी में ऋषि कुमार ने रमवा माटे माटी नो मोर राख्यो छे, लई आओ। पहली तपस्विनी कहे छे कि हूँ हवे हमणां ज आऊं छूं, एम कहीने ए जाए छे। बाळक कहे छे, त्यां सुधी हूँ आ सिंहना बाळक साथे रमीश। आ कहीने तपस्विनी तरफ जोईने हसे छे। दुष्यंत राजा पोतानी जात साथे ज वात करता होय एम कहे छे कि आ सुंदर बाळक साथे रमवानुं मारुं मन शुं ललचावे छे। एम निसासो नाखीने कहे छे कि धन्ય છે તે પુરુષો કે જેઓ તેમના પુત્રોને તેમના અંગોની ધૂળથી બાહોમાં રાખે છે અને પુત્રના મોઢાની સામે જોઈને હસે છે, દાંતની શોભા બતાવીને અટપટા શબ્દો બોલે છે। દૂસરી તપસ્વિની, ક્યું રે ઢીઢ, તું મેરી બાત કાન નહીં ધરતા, ઇધર ઉધર દેખકર, કોઈ ઋષિ કુમાર યહાં હૈ? દુષ્યંત કો દેખકર, હે મહાત્મા, તુમ્હી આવો ઓર કૃપા કરકે ઇસ બલી બાલક કે હાથ સે સી કે બચ્ચે કો છુડાઓ। દુષ્યંત, અચ્છા, બાલક કે પાસ જાકર ઓર હસકર, હે ઋષિ કુમાર, તુમને તપોવન કે વિરુદ્ધ यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं, बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। बीजी तपस्विनी बाड़क ने कहे छे कि हे जिद्दी बाड़क, तुम्हारी बात ने ध्यान थी सांभळतो केम नथी? ढीढ एटले जिद्दी। आसपास जोता શું અહીં ઋષિકુમાર છે એવું બીજી તપસ્વીની કહે છે। દુષ્યંત તરફ જોતા, ઓ મહાત્મા, તમે આવો અને કૃપા કરીને આ બાળકના હાથથી સિંહના બચ્ચા બાળકને છૂટા કરો। દુષ્યંત રાજા કહે છે, સારું। બાળક પાસે જાય જતા અને હસીને કહે છે, ઋષિકુમાર, તમે કેમ તપોવન સામેની આ વર્તણૂક જેનાથી તમારા કોળને શરમ આવે છે? આ સારી વસ્તુ નથી, બાળકે સિંહના બાળકને છોડી દીધું।